नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम मैकेनिकल यूनिट ऑपरेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, मैकेनिकल यूनिट ऑपरेशन को तीन भाग में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला भाग सॉलिड पार्टिकुलर, ठीक है। सॉलिड पार्टिकुलर में क्या क्या आता है? सॉलिड कैरेक्टराइजेशन, देन साइज रिडक्शन, सॉलिड सॉलिड सेपरेशन, स्क्रीनिंग एंड वगैरह वगैरह, ओके। देन सेकेंड पार्ट इज मिक्सिंग ऑफ सॉलिड, उसमें क्या होगा, पावर कंजम्पशन, वो सब हम पढ़ते हैं ना, फ्राउड नंबर्स एंड ऑल। देन उसके बाद थर्ड पार्ट आएगा पार्टिकल डायनेमिक्स, जिसमें क्या आएगा, फ्लूडाइजेशन, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहला जो बेसिक सा हमें फॉर्मूला पढ़ना पड़ता है या कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ता है, वो है स्फेरिसिटी। देखिए, स्फेरिसिटी हम क्यों पढ़ते हैं? देखिए, हमारे पास सारे पार्टिकल हैं वो एक ही शेप में नहीं है। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास एक क्यूब है, ठीक है, यहाँ पे क्यूब है, लेकिन एक क्यूब है, फिर यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे एक सिलेंडर है, ठीक है, ये सब एक शेप में तो नहीं है, ठीक, अलग अलग शेप है सबका, ठीक है। यहाँ पे एक स्फीयर मान लेते हैं, ठीक है। तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से कितना सिमिलर है, वो कैलकुलेट करने के लिए हम स्फेरिसिटी का टर्म यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मान यहाँ पे क्या होता है कि स्फीयर की स्फेरिसिटी को मान लिया जाता है, ठीक है, और इन सबको रिलेटिव देखा जाता है, जैसे कि क्यूब है वो कितना सिमिलर है स्फीयर से, ठीक है, सिलेंडर कितना सिमिलर है स्फीयर से, ऐसे ही कोई अगर कोई अलग शेप का पार्टिकल होगा जैसे कि ये, तो ये कितना सिमिलर है, ठीक है, स्फीयर से। जैसे कि मेरे पास एक पेंसिल है, ठीक है, तो ये पेंसिल स्फीयर इतने ही वॉल्यूम के स्फीयर से कितने सिमिलर है, वो हम पता लगा सकते हैं, ठीक है, स्फेरिसिटी की फॉर्मूला की मदद से। देखिए, तो स्फेरिसिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है, स्फेरिसिटी कैलकुलेट करने के लिए सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो ऑफ अ स्फीयर हैविंग सेम वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल दैट यू हैव। जैसे कि मेरे पास ये पेंसिल है, ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि इसका कुछ वॉल्यूम है ए मीटर क्यूब, ठीक है, तो ए मीटर क्यूब का ही मुझे स्फीयर लेना है, ठीक है। तो उस वो जो स्फीयर होगा उसका सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो डिवाइडेड बाय जो भी आपके पास पार्टिकल है उसका सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो, उसको स्फेरिसिटी से हम डिफाइन करते हैं। तो देखिए, स्फीयर है, मान लेते हैं कोई हम स्फीयर लेंगे, उसकी जो डायमीटर लेंगे वो डीपी होगी, ठीक है। तो देखिए, सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो 6/dp हो जाएगा, और जो भी आपके पास पार्टिकल है उसका रेशियो, ठीक है। जैसे कि मैं आप उदाहरण के तौर पे एक बार कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि देखिए, अभी हम क्यूब का उदाहरण कंसीडर करते हैं कि क्यूब का जो सरफेस एरिया है वो 6a² आप सबको पता है, ठीक है, 6a² डिवाइडेड बाय क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, 1³, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे तो दो वेरिएबल हो गए, तो हमें तो कैंसिल करना है, हमको तो एक कांस्टेंट आंसर चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, स्फीयर हैविंग सेम वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल दैट यू, तो देखिए मेरे पास एक क्यूब का क्यूब है, ठीक है, तो एक क्यूब, तो उसको यहाँ पे मैं रख देता हूँ, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 5/6, ठीक है, 5/6 dp³, ठीक है, dp³। तो देखिए, डीपी और ए के बीच में हमें रिलेशन मिल गया, वो यहाँ पे हम रख सकते हैं, तो ए कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें कॉन्स्टेंट क्वांटिटी मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह हम स्फेरिसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे कि हमें कोई सिलेंडर दिया हुआ, तो आपको देखना रहता है कि ये पूरा एरिया आपको लेना पड़ता है, ये पूरा एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया प्लस ये क्रॉस सेक्शन एरिया भी लेना पड़ता है, अगर आपको दिया है कि वो होलो सिलेंडर नहीं है तो, ठीक है। अब देखिए, सरफेस एफेक्टर इज डिफाइंड एज द इनवर्स ऑफ स्फेरिसिटी, ठीक है। वॉल्यूम से फैक्टर में क्या है कि जैसे कि आपके पास जैसे कि क्यूब है, तो क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1³, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मल्टीपल में कुछ नहीं आया, उसका मतलब वो जो क्यूब होता है उसका वॉल्यूम से फैक्टर 1 होगा। अगर वहाँ पे स्फीयर, ठीक है, तो स्फीयर में क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 5/6 dp³, तो वॉल्यूम का सेफ फैक्टर होगा 5/6, ठीक है। अब देखिए, पार्टिकल को हमें कैरेक्टराइज करना है, ठीक है, सॉलिड पार्टिकल को हमें कैरेक्टराइज करना है, तो
तीन तरीके से हम उसको कैरेक्टराइज कर सकते हैं। तो पहला तो है पार्टिकल का, जो आपके पास पार्टिकल है उसका शेप क्या है, पार्टिकल की साइज क्या है, उसकी डेंसिटी क्या है। डेंसिटी तो खैर हमें पता होगी, ठीक है। शेप का भी हमने देख लिया कि वो वो स्फीयर से कितना रिलेट करते हैं, लेकिन पार्टिकल साइज के बारे में अभी हमने नहीं देखा। तो देखिए पार्टिकल साइज में सारे ही पार्टिकल आप देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ पे एक बॉक्स है, ठीक है, यहाँ पे हमने चीनी भरी हुई है, ठीक है। तो देखिए ऐसा तो नहीं होगा कि सारे चीनी के जो कण हैं वो सेम शेप के होंगे, ठीक है। सारे ही चीनी के कण, कुछ कुछ कण थोड़े छोटे, कुछ कण थोड़े बड़े होते हैं, कुछ पाउडर फॉर्म में होते हैं, देखिए, ठीक है। लेकिन अगर हमें उस चीनी को कुछ इंडस्ट्रियल प्रोसेस में यूज़ करना है, ठीक है, तो वो हमें उसको एवरेज डायमीटर चाहिए, ठीक है। तो एवरेज पार्टिकुलर डायमीटर के लिए यहाँ पे हम तीन चार ऐसे मेथड हैं जिसकी मदद से हम उसको एवरेज जो एनालिसिस साइज एनालिसिस है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला है वो वॉल्यूम मीन डायमीटर, दूसरा है अरिथमेटिक मीन डायमीटर, तीसरा है मास मीन डायमीटर, एंड फोर्थ होने शॉर्टर मीन डायमीटर। देखिए मैं मान लेता हूँ कि देखिए यहाँ पे चीनी है, यहाँ पे मास फ्रैक्शन है एक्स आई, ठीक है, एक्स आई एन सॉरी एन यहाँ पे इसका डायमीटर, ठीक है। तो देखिए इसमें 10% जितना उसकी जो डायमीटर है वो 1 mm है, फिर आगे मैं मान लेता हूँ कि 30% है उसकी जो डायमीटर है वो 0.5 mm है, देन 60% जितना जो भी चीनी है उसकी डायमीटर फिलहाल एग्जांपल के लिए मान रहे हैं, ठीक है, उसकी डायमीटर 0.05 है, ठीक है, 5 mm है, ठीक है। तो देखिए टोटल ओवरऑल मास फ्रैक्शन हमने लिया था तो वो टोटल 1 हो गया, पहले हमने 0.1 फिर 0.3 देन 0.6 लिया, ठीक है। तो उसके हिसाब से देखिए ये मास फ्रैक्शन हो गया, उसके अकॉर्डिंग जो भी हमें डायमीटर है वो हो गया। अरिथमेटिक मीन डायमीटर में क्या, हमें नंबर ऑफ पार्टिकल पता होने चाहिए कि देखिए 1000 पार्टिकल है वो 1 mm के हैं, 2000 पार्टिकल है वो 2 mm के हैं। लाइकवाइज शॉर्टर मीन डायमीटर में सिमिलर एक्स आई और डी पी आई मैंने यहाँ पर उदाहरण के तौर पर बताया था उसे वैसे ही, ठीक है, शॉर्टर मीन डायमीटर में भी सेम, ठीक है। तो देखिए 2017 में इस पर क्वेश्चन आए थे, ठीक है। अब मिक्स साइज एनालिसिस, देखिए मिक्स साइज एनालिसिस अब हमारा एक और भी उद्देश्य है कि हमें टोटल सरफेस एरिया मिले, तो वो सरफेस एरिया हमें कहाँ पे काम आएगा, जब हम उसका रिडक्शन करेंगे, साइज रिडक्शन करेंगे, तो पता चलेगा कि देखिए मेरे पास ये पेंसिल है, मैं इसका साइज रिडक्शन कर रहा हूँ, ठीक है, उसको क्रश कर रहा हूँ, तो सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा कि ये कितना परसेंट एरिया बढ़ चुका है। देखिए हमारा हम क्रशिंग और ग्राइंडिंग वो सब क्यों करते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए देखिए हमें मिक्स साइज एनालिसिस भी जरूरी है, हमें टोटल इफेक्टिव सरफेस एरिया पर केजी पता होना चाहिए। तो देखिए ये इसका फॉर्मूला है, वैसे इस पे कभी इतना सवाल नहीं आया, ठीक है, तो आप ये स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप एक बार इसमें नज़र लगा लो, है ना। तो मैंने अभी बताया कि साइज रिडक्शन हम क्यों करते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो, है ना। देखिए क्रॉसिंग एफिशिएंसी है वो 90%, 99%, 50% ऐसा नहीं होता, लेकिन क्रॉसिंग एफिशिएंसी है वो 10^-3 टू 10^-1 में वेरी करती है, इस रेंज में ही होती है, ठीक है, ये आप थोड़ा ध्यान में रखिए। अब साइज रिडक्शन हम जब करेंगे तो उसके इक्विपमेंट आते हैं, जैसे कि जो क्रशर, बॉल मिल, ठीक है, रोल मिल, रोल क्रशर, गायरेट्री क्रशर, ठीक है, वो सब आपने लैब में देखे होंगे। तो पावर कैलकुलेट करना पड़ता है, जैसे कि हम फ्लूइड मैकेनिक्स में बर्नौली इक्वेशन से सेंट्रीफ्यूगल पंप का पावर कैलकुलेट करते हैं, आपको पता है, तो उसी तरह हमें यहाँ पे पावर कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, मींस पावर हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो पावर फाइंड करने के लिए यहाँ पे जो साइज है उसके अकॉर्डिंग तीन लॉज हैं, ठीक है। देखिए अगर आपके पास जो भी मटेरियल है उसका जो साइज है, साइज मीन्स डायमीटर, ठीक, वो 0.05 mm से कम है तो आप रिक्टिंजर्स लो यूज़ कर सकते हैं, अगर उसकी साइज है वो 50 mm से ज़्यादा है तो आप किक्स लो यूज़ कर सकते हैं, और अगर इन दोनों के बीच में तो आप बॉन्स लो यूज़ कर सकते हैं एक्यूरेट पावर कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं, ये पावर है, ये एम है, ठीक है, एम
मोस्टली आपको दिया रहेगा टन्स पर डे में, क्योंकि ये जनरली इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। ठीक है, देखिए ये रिक्टिन जस्ट कॉन्स्टेंट है, ठीक है, और डी पी ए और डी पी बी, तो पहले क्या डायमीटर थी पार्टिकल की और अब क्या डायमीटर है पार्टिकल की। ठीक है, वो तो देखिए बोन्स लॉ में एक टर्म आता है कि वर्किंग इंडेक्स। तो वर्किंग इंडेक्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि देखिए वर्किंग इंडेक्स को आप ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा याद रखिए, अगर आपको वर्किंग इंडेक्स दी हुई तो के बी इज इक्वल्स टू वर्किंग इंडेक्स अंडर रूट 0.1। ठीक है, एक्चुअली वर्किंग इंडेक्स में ये होता है कि आपने 1 mm का मटेरियल लिया, ठीक है, वो 80% स्क्रीन से पास हो गया, उसके हिसाब से कुछ वर्किंग इंडेक्स फाइंड किया जाता है। ठीक है, तो आप ये याद रखिए, ये बहुत सा बेसिक सा फॉर्मूला है, आप याद रख ही सकते हैं। अब साइज डिडक्शन में कौन कौन से इक्विपमेंट है वो एक बार देख लेते हैं। देखिए साइज डिडक्शन में मैं एक बार यहाँ पर बता दूँ, साइज डिडक्शन 4 तरह के मेथड होते हैं। पहला तो कंप्रेशन, जैसे कि कंप्रेशन, ये पेंसिल है इसको मैं कंप्रेस कर रहा हूँ, है ना, ऐसे कंप्रेस कर रहा हूँ। देन इम्पैक्ट, तो इम्पैक्ट में 2 तरह के इम्पैक्ट आते हैं, एक है ग्रेविटी इम्पैक्ट, देन डायनेमिक इम्पैक्ट। देखिए ग्रेविटी इम्पैक्ट मीन्स मैं यहाँ से फोल्ड डाउन कर रहा हूँ और वो जो भी क्रशिंग हो रहा है वो। डायनेमिक इम्पैक्ट में क्या, दो पेंसिल ली, दो ऑब्जेक्ट लिए, उसको आमने सामने उसको टकरा रहे। देन कटिंग में आप समझ ही सकते हैं, वर्ड से पता लग रहा है। देन एट्रिशन मीन्स मैं ये पेंसिल ले रहा हूँ, इसको ऐसे इसको रबिंग कर रहा हूँ, तो वो जो पार्टिकल की साइज रिड्यूस होगी उसको, वो जो फिनोमिना है उसको एट्रिशन कहते हैं। ठीक है, तो ये 4 मेथड आप याद रखिए। अब देखिए साइज रिडक्शन में 3 तरह के इक्विपमेंट होते हैं। पहला प्राइमरी इक्विपमेंट में थोड़ा कम साइज रिडक्शन होता है, जैसे कि आपने लैब में देखा होगा जो क्रशर, ठीक है, उसमें कम होता है कंपेयर टू अदर्स। देन सेकेंडरी में क्या होता है, बॉल मिल एंड हैमर मिल आता है, ठीक है, उसमें जो क्रशर से ज़्यादा रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, देन टर्सरी साइज रिडक्शन इक्विपमेंट में फ्लूड एनर्जी मिलाता है, तो उसमें बहुत ही कम अल्ट्रा साइज के पार्टिकल में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप पता लगाइए कि यहाँ पे पावर किस में सबसे ज़्यादा लगेगा। देखिए जो भी इक्विपमेंट, जैसे मैंने यहाँ बताया प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्नरी, ठीक है, तो टर्नरी सबसे ज़्यादा वो साइज रिडक्शन कर रहा है, ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल में वो उसको कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है, अल्ट्रा ग्राइंड कर रहा है, ठीक है, तो उसमें पावर सबसे ज़्यादा लगेगा। तो सबसे ज़्यादा पावर लग रहा है टर्नरी में, उससे कम लगेगा सेकेंडरी में एंड उससे कम लगेगा प्राइमरी में। ठीक है, तो देखिए अब रोल मिल, तो यहाँ पे देखिए अब रोल मिल, सॉरी एक बार बॉल मिल यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो पहले एक बार यहाँ पे बॉल मिल पढ़ लेते हैं, सॉरी देखिए बॉल मिल में क्या होता है, एक सिंपल सा यहाँ पे सिलेंडर रहता है, ठीक है, मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है ऐसे ही, यहाँ पे एक ऐसे ओपनिंग जैसा रहता है, वो फिर क्लोज भी हो जाता है जब हम यहाँ पे फीट डाल देते हैं जो भी हमें क्रॉस करना है। ठीक है, यहाँ पे छोटे छोटे बॉल रहते हैं, वो इम्पेक्ट करते हैं, जैसे कि मेरे पास एक बॉल है और मेरे पास एक छोटा सा पत्थर है, मैं उस पर बार बार उस पर मारे जा रहा हूँ, ठीक है, तो वो पत्थर क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, और ये जो भी टोटल वॉल्यूम है उसके 30-50% जितने इसमें बॉल होते हैं, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक है, तभी उसका ग्राइंडिंग होगा। ठीक है, तो देखिए अगर स्लो चल रहा है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अट्रिशन हो रहा है, क्यों, क्योंकि इम्पेक्ट नहीं कर रहा है। देखिए आप सीधे सीधे देख रहे हो, देखिए ये यहाँ पे जैसे मान लेते हैं ये अपना पार्टिकल है और ये यहाँ पे ये बॉल है, तो देखिए ये इसके साथ घिसे जा रहा है, ठीक है, तो अट्रिशन हुआ। अगर थोड़ा ज़्यादा मीडियम लेवल पे वो चल रहा है, ठीक है, तो इम्पेक्ट करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा पार्टिकल है, तो ऊपर से बॉल गिर रही है, आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे इस पे ये टकराएगी, तो इसको कहेंगे ग्रेविटी इम्पैक्ट। ठीक है, अगर कुछ ज़्यादा ही चल रहा है तो यहाँ पे कोई भी ग्राइंडिंग नहीं होगा, क्योंकि सारी जो बॉल है
वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से एक सारी जो बॉल है वो कभी नीचे नहीं गिरेगी, ठीक है, वो ऐसे ही घूमती रहेगी और आपका ग्राइंडिंग नहीं होगा, ठीक है। तो वो क्रिटिकल स्पीड हमें देखनी पड़ती है कि उससे ज़्यादा ना हो जाए, अगर उससे ज़्यादा हो गया तो पावर भी लॉस होगा और ग्राइंडिंग भी नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे तो पैसे हमारे पानी में गए। तो क्रिटिकल स्पीड कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, एन सी इज इक्वल्स टू 1/2 पाई g डिवाइड बाई आर इंटू स्मॉल आर, ठीक है। तो यहाँ पे जो आर है, कैपिटल आर, वो है मिनिमम डायमीटर ऑफ बॉल रेडियस, ठीक है, और जो स्मॉल आर है वो है रेडियस ऑफ बॉल, ठीक है, रेडियस ऑफ बॉल्स। मैंने यहाँ पे शायद कुछ गलती की हुई है, एक बार मैं यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करके देखता हूँ। देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ पे ये बॉल होता है, यहाँ पे ये टोटल रेडियस, अगर मैं मान लूँ टोटल रेडियस, अगर मैं मान लूँ यहाँ पे बॉल मिल की कैपिटल आर है, ठीक है, और इसकी ये जो बॉल है छोटा सा, इसकी रेडियस मैं मान लूँ आर, स्मॉल आर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कैपिटल आर है वो बॉल मिल के डायमीटर, सॉरी रेडियस है, और स्मॉल आर है वो यहाँ पे जो बॉल है उसकी रेडियस है, ठीक है। तो आप याद रखें। अब देखते हैं सिंपल सी, देखिए इस पे, इस टॉपिक पे हर बार क्वेश्चन आ ही जाते हैं, ठीक है। तो आप ये टॉपिक पढ़ के जाइए, इसका सिंपल सा छोटा सा फॉर्मूला है, तो आप पढ़ ही लीजिए, है ना। तो देखिए ये जो है रोल क्रशर का डायग्राम है, ठीक है, दो यहाँ पे रोल लगे हुए रहते हैं, यहाँ ऊपर से हमें फीड डालना रहता है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे ऊपर से हम फीड डाल रहे हैं और यहाँ पे ग्राइंडिंग होकर प्रोडक्ट मिल रही है, ठीक है। तो देखिए सवाल ये आता है, यहाँ पे प्रोडक्ट साइज इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ फीड साइज, वैसे ये पूछा नहीं जाता लेकिन आपके नॉलेज के लिए सवाल ये पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा कितनी मैक्सिमम साइज का पार्टिकल है वो इस रोल मिल में, पर्टिकुलर रोल मिल में क्रॉस हो सकता है, ठीक है। जैसे कि ये मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किया, जैसे मान लेता हूँ मैं इतना बड़ा पार्टिकल में लेकर आया और इसमें मैं डाल रहा हूँ तो होगा ही नहीं क्रॉस, आप सिंपली सोच सकते हो, ठीक है। तो थियोरेटिकली हम अगर देखें तो कौन सी वो डायमीटर है जिससे वो क्रॉसिंग नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए उसके बाद क्रॉसिंग नहीं होगा, उससे बड़ा अगर पार्टिकल हुआ तो, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, मान लेता हूँ ये जो टोटल एंगल है, ये जो टोटल एंगल है, ये जो टोटल एंगल है, ठीक है, यहाँ पे टोटल एंगल ये अल्फा है, इसको नीप एंगल भी बोलते हैं। तो कोस अल्फा बाई टू इज इक्वल्स टू, देखिए कोस थीटा ये भी अल्फा है, ठीक है, यहाँ पे अल्फा लिख सकते हैं, अल्फा बाई टू, ये अगर टोटल टोटल ये अल्फा होगा तो ये अल्फा बाई टू होगा, ठीक है, आप मैथ्स लगा लीजिए, यहाँ पे अल्फा बाई टू आएगा। तो देखिए कोस इज इक्वल्स टू क्या, ये वाली साइड यहाँ पे, ये वाली, ठीक है, डिवाइड बाई ये टोटल साइड, ठीक है, ये, ठीक है। तो डी प्लस एल, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं कि ये जो टोटल लेंथ है, ये जो टोटल लेंथ है, एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है, ये जो इसकी जो रेडियस है, मान लेते हैं कि इसकी रेडियस आर है, ठीक है, तो डी बाई टू मीन्स वही आर ही हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक सेंटर तक ले रहे हैं, तो ये एल बाई टू हो गया, एल बाई टू, ठीक है। और देखिए ये वाली लेंथ हमें लेनी है, तो ये अगेन डी बाई टू आएगा क्योंकि वो आर है, रेडियस है, ठीक है। और यहाँ पे भी देखिए ये इतना लेना है तभी ये सम होगा टोटल, ठीक है, तो स्मॉल डी बाई टू, तो बाई टू सब में से कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए जो टोटल फॉर्मूला आएगा डी प्लस एल डिवाइड बाई डी प्लस स्मॉल डी। तो यहाँ पे हर बार क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं कि मैक्सिमम कौन सी पार्टिकल डायमीटर है जो यहाँ पे क्रॉस हो सकती है, तो ये डी आपको कैलकुलेट करना रहता है, ये सब दिया हुआ रहता है कि दोनों के बीच में स्पेसिंग, दोनों के रोल के बीच में स्पेसिंग कितनी है, वो सब नीप एंगल भी दिया रहता है, अगर नी दिया रहता है तो ये दिया रहता है, और नीप एंगल फाइंड करना रहता है, बहुत ही सिंपल से। तो कभी कभी देख लीजिए कि हम 12th में पढ़ते हैं कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, पढ़ा हुआ रहता है, तो कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन दे देते हैं, तो उसके हिसाब से हमें देखिए कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू आई इज इक्वल्स टू 10 अल्फा बाई 2। तो इसके हिसाब से हम अगर ये दिया हुआ है तो वापस हमें अल्फा बाई टू कैलकुलेट करना, और वो यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है।
तो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये छोटा सा ट्रिक है दोस्तों। ये कई बार क्वेश्चन में ये दे देते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिए हुए, आप मैक्सिमम डायमीटर फाइंड करिए, तो आप सिंपली ये फॉर्मूला यूज़ करिए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखिए फर्स्ट पार्ट यहाँ पे मैंने कवर कर दिया है। फर्स्ट पार्ट क्या था, मैकेनिकल यूनिट ऑपरेशन को हम तीन भाग में डिवाइड कर सकते हैं, सॉलिड पार्टिकुलेट। ठीक है, तो सॉलिड पार्टिकुलेट में सॉलिड सॉलिड सेपरेशन है, लेकिन वो सॉलिड सॉलिड सेपरेशन बचा हुआ है, लेकिन मैं वो लास्ट में डिस्कस करूँगा, क्योंकि उस पर कभी कभी स्क्रीनिंग पे कभी कभी अच्छे से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो मैं लास्ट में डिस्कस करूँगा। तो इसके बाद जो मैं डिस्कस करूँगा वो है मिक्सिंग ऑफ सॉलिड। ठीक है, पावर कंजम्पशन, उसमें कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, फ्राउड नंबर एंड वो, एंड उसके बाद मैं पार्टिकल डायनेमिक्स, फ्लूडाइजेशन एंड फिल्ट्रेशन, वो सब मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप शेयरिंग दिस वीडियो। ठीक है, हम यहाँ पे सारे ही गेट के जो भी सिलेबस है, गेट के चाहे वो गेट प्रीवियस के सॉल्यूशन हो, चाहे वो गेट के लेक्चर्स हो, कोई भी सब्जेक्ट के, सारे हम फ्रीली प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको एक भी पैसा यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं, जस्ट आप सब्सक्राइब करो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, और यहाँ पे मैं कंडीशन रख रहा हूँ, अगर हमारे वीडियोस पे 10 लाइक्स आ गए, ठीक है, टारगेट रखते हैं 10 लाइक्स, तो मैं ये जो PDF है मैं वहाँ पे अटैच कर दूंगा। देखिए MEO है, गेट में 2 to 4 मार्क्स का पूछा जाता है, तो आपको पूरा सब्जेक्ट अच्छी तरह से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैंने यहाँ पे जो जो भी IMP टॉपिक हैं उसको 12 to 15 पेजेस में सारे पूरे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैंने यहाँ पे कवरअप किए हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, तो टारगेट रखते हैं 10 लाइक्स। ठीक है, अगर 10 लाइक्स हो गई तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये जो मेरी PDF है उसके लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। थैंक यू दोस्तों।